सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। सो सुबह की राइड होगी स्टार्ट, सुबह के बज चुके हैं। मनोज भाई कितने बज गए हैं? 5:30। गाड़ी नंबर है 5:30। और हमारी डेस्टिनेशन है वृंदावन की। तो इस बार बाइक से नहीं चल रहे हैं, हमारे साथ जा रहे हैं हमारे बहुत सारे दोस्त। इस बार राइड करेगा, राइड नहीं नहीं ड्राइव कर रहे हैं, इस बार गाड़ी से जा रहे हैं। दीपू कहाँ पहुँचे हम? वृंदावन पहुँचने वाले हैं। कहाँ पहुँचने वाले हैं? वृंदावन पहुँचने वाले हैं। वृंदावन पहुँचे मामा, ओके है ना सब? हाँ डन है ना सब? ओके ऑल सेट। तो अब यार देखो फॉग हो रहा बहुत तगड़ा वाला, इस बार राइड नहीं कर रहे, नहीं तो फट के हाथ में आ जाती। इस बार ड्राइव करके जा रहे हैं क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ठीक है। 20-25 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ रहा है बट फाइन है, क्योंकि 100 किलोमीटर और 110 मामा हमारे गाड़ी तेज चलाते हैं। आगे तो सब बढ़िया चल रहा है, फॉग हो रहा है तगड़ा वाला देखो एकदम। अंकल ये सो गए हमारे, अंकल सो गए क्या, जग रहे हो ना? ठीक है, तो पहुंच के रूम बुक करेंगे, वहां पे फ्रेश वगैरह होंगे, थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद आगे की यात्रा आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना फिर? ठीक है, मिलते हैं फिर, बोलो थोड़ी सी देर में। थोड़ी सी देर में मिलते हैं। 2000 years later। हाँ तो वृंदावन पहुंच गए हम, अंकल से चाय ले रहे हैं, ये जग गया है छोटा चेतन हमारा। सामने ना वो पूरा प्रेम मंदिर है, तो अभी जाएंगे, तो अभी रूम वगैरह बुक कर दिया हमने, तो अब चाय वाय पी लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं रूम में जाके, उसके बाद आगे की कहानी शुरू करते हैं। अंकल ने मसाला चाय बना दी हमारे लिए, तो हमने ले लिया रूम। रूम पड़ा है 700 का। कितने का पड़ा है? 700 का, 5 लोग हैं। रूम की कंडीशन दिखा देता हूँ, रूम हमारा मतलब ऐ वहीं तो नहीं बोलूँगा बट ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 घंटे के लिए फ्रेश वगैरह। अंदर अंकल ने वॉशरूम में, ये मामा गमछा डाल के, ओए छोटे चेतन हेलो। यार ये गेम में लगा रहा था बंदा, यार बोलो तो सही। देखो यार, तो होटल का मेनू, अच्छा खाने पीने का, लेकिन हमें तो इससे चाहिए ही नहीं यार। खैर ये हमने तो बाहर खा पी लिया, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा ही होती है, तो बेकार में फिर 700 रुपये प्लस फालतू का खर्चा, तो इससे अच्छा है कि भाई अपना अलग बाहर करके आ गया, ब्रेकफास्ट वगैरह चाय वगैरह करना है। बिल ले आधा की करेगी। मामा ने यार वो काका के गाने सुना के ना मेरे को कान में दर्द कर दिया। सबसे अच्छा है कि हमने ना एक जो टूर गाइड होता है ना वो हमने कर लिया है, सो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि हम खाली देखते चीज़ों को, लेकिन एलोबरेट जो पे होता है ना कि वो यही कर सकते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज शर्मा। धीरज शर्मा, गोविंद देव मंदिर है, अभी हम चढ़ाई में जा रहे हैं गोविंद देव मंदिर की। तो यही एक अच्छा फायदा होता है कि आप अगर टूर गाइड कर लेते हो, भैया आप टोपी उतार दो नहीं तो बंदर तुम्हारी टोपी ले जाएंगे, यहाँ बंदर वगैरह बहुत हैं। हाँ, तो टोपी आप उतार ही दे रहे हैं। तो मैंने अपने ना स्पेक्स भी हटा दिए। हाँ बोलो, राधा कृष्ण भगवान की जय। अभी देखो सामने में ये मंदिर जो बना है, मंदिर का नाम है गोविंद देव मंदिर। इस मंदिर को आज से 422 साल पहले 1590 में जयपुर का राजा मानसिंह बनाया। मानसिंह जिस समय ये मंदिर बनाया था, मंदिर पहले 7 स्टोरी 7 मंजिल ऊंचा बना हुआ था। अच्छा, इसके ऊपर दीपावली की रात्रि को भगवान का 50 किलो घी का दीपक जलता था, वो दीपक की जो लाइट थी यहाँ से और दिल्ली आगरा तक जाती थी। 50 किलो घी का यहाँ से और दिल्ली आगरा तक जाती थी। उस समय दिल्ली के अंदर मुस्लिम राजा औरंगजेब का राज्य था। दिल्ली का राजा औरंगजेब बादशाह बोला ये लाइट किधर से आती है, सेनापति बोला वृंदावन के अंदर गोविंद देव मंदिर है वहाँ से आती है। बोले हमारा मुस्लिम लोग का इतना बड़ा शासन, पर हमारा शासन में हमारा इतना बड़ा कोई मस्जिद नहीं, हिंदू लोग का इतना बड़ा मंदिर है। आक्रमण किया, 4 मंजिल मंदिर का ऊपर से तोड़ दिया, मंदिर को खंडित कर दिया। इस मंदिर के अंदर पुजारी लोग को भगवान ने सपना दिया कि औरंगजेब आएगा, मूर्ति को खंडित कर देगा, यहाँ से लेके चला जाएगा। पुजारी लोग यहाँ का असली मूर्ति लेके रातिरा जयपुर, इसी मंदिर को तोड़ा था। पुजारी लोग यहाँ का असली मूर्ति लेके रातिरा जयपुर चले गए। कभी आप लोग राजस्थान जयपुर घूमने के लिए जाएंगे तो जयपुर सिटी पैलेस का बैक साइड गोविंद देव मंदिर है।
यहाँ का जो असली मूर्ति है वो राजस्थान जयपुर के अंदर में विराजमान है। अच्छा, अभी आप लोगों ने मथुरा देखा होगा, बर्थ प्लेस ऑफ कृष्णा, कृष्ण का जन्म स्थान। वो कृष्ण के जन्म स्थान के ठीक पीछे में एक मस्जिद बनी हुई है। इसका जो 4 मंजिल पत्थर तोड़ा, इसी का पत्थर ले जाके मथुरा में एक मस्जिद बना दिया। वृंदावन के अंदर ऐसे 5,500 मंदिर बने हैं, 500 साधु लोग का आश्रम है, 365 धर्मशाला है। 6 मंथ 6 महीने आप लोग वृंदावन रुकेंगे, पूरा मंदिर वृंदावन को नहीं देख सकते। वृंदावन आए हैं, 2 बात का ध्यान रखना है। पहला बात, अपना मुख से इधर जय बोलना है, जय बोलने से हम लोग का पाप नष्ट हो जाता है। और दूसरा काम, थोड़ा ताली बजा के भगवान के सामने हंसना है। हंसना क्यों है? क्योंकि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, गोकुल में भगवान का पालन पोषण हुआ, और वृंदावन आके भगवान ने अपना लीला किया। इसलिए बोलते हैं कि वृंदावन में आके जो हंसता है उसका घर परिवार यहाँ बसता है, जो वृंदावन में आके रोता है तो अपने नैना खोता है। यहाँ सोगे घर परिवार को हंसोगे, यहाँ रोगे सारा जिंदगी भर रोगे। हंसते हुए आयो, हंसते हुए जाना। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। अभी देखो सामने में ये मंदिर जो आप लोग देखते हो ना, ये मंदिर का नाम बोलते हैं रंगनाथ मंदिर। हाँ। रंगनाथ बोलते हैं विष्णु भगवान को, हम लोग के यहाँ बोलते हैं विष्णु भगवान, साउथ में बोलते हैं रंगनाथ भगवान। पूरा मंदिर ये मद्रास का कारीगरी से बना हुआ है। मंदिर के अंदर में 7 दरवाजे हैं, 108 यहाँ पुजारी हैं, सब पुजारी यहाँ तमिलनाडु मद्रास के रहने वाले हैं। 108 पुजारी का मंदिर में 108 कमरे बने हुए हैं, हर कमरे के अंदर एक एक पानी का कुआं बना हुआ है। मंदिर को बनाया मथुरा का सेठ लक्ष्मीचंद जैन, मारवाड़ी लोग इस मंदिर को बनाया। भगवान ने रुपया पैसा धन दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी बहुत दिया, पर कोई संतान नहीं दिया। गुरु से वर उदू दौलत तो बहुत दिया, पर इसको भोगने वाला मेरे पास कोई नहीं दिया। गुरु ने कहा जाओ मेन मंदिर बिहारी जी का, बिहारी जी से कामना करो, बिहारी जी कामना पूरा करेंगे। 1 बरस के अंदर पत्नी का लड़का हुआ, लड़का होने की खुशी में अपने नाम से इस मंदिर को बनाया। साउथ के रहने वाले गुरु रंगाचार्य जी महाराज मंदिर बना के अपने गुरु को दान में दे दिया। गुरु के नाम पे ही मंदिर का नाम पड़ा है रंगनाथ भगवान का मंदिर। सबसे पहला दरवाजा मंदिर के अंदर में है सिंह दरवाजा। अच्छा, जो पहला 2 बार शेर बने हुए हैं उसको हाँ। बोलते हैं सिंह दरवाजा। दूसरा है लक्की दरवाजा जिसपे जयपुर का कारीगरी है, और तीसरा ये मीनाक्षी दरवाजा, साउथ में बोलते हैं मीनाक्षी दरवाजा, हमारे यहाँ बोलते हैं इसको गोप्रभु। तो ये ऊपर ये इसके मतलब क्या ये है? सब भगवान बने हुए हैं। नहीं, अंदर इसके ये पूरा खाली है। अच्छा, ऊपर है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां, लेकिन अलाउड तो होगा नहीं ना किसी को, केवल मंदिर के कर्मचारी लोग जाते हैं। अच्छा अच्छा, बोलो रंगनाथ भगवान की जय। अभी रंगनाथ मंदिर के अंदर थे तो गाइड हमारे बता रहे थे उनके बारे में पूरी हिस्ट्री वगैरह। सो आगे चलते हैं और देखते हैं सारा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। विराजमान है जैसा एक गाय के अंदर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, पूरा मंदिर के अंदर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। पूरा एक ही पिलर है, कहीं भी पिलर में जॉइंट नहीं है। यार मैं ताज्जुब कर गया ना। बोलो राधे राधे। बोलो बैकुंठनाथ भगवान की जय। सामने में देखो ये दरवाजा जो आप लोग देखते हो, दरवाजे का नाम बोला जाता है बैकुंठ दरवाजा। ये साल में बरस में एक दिन खुलता है खाली, बस 25 दिसंबर को बैकुंठ का एकादशी था। अभी ये 25 दिसंबर हाँ। जो निकल के गया उस दिन ये बैकुंठ का एकादशी था। भगवान विष्णु की जो सोने की विग्रह है, अभी आपने जो दर्शन किया, उस विग्रह को यह पालकी में बैठाते हैं, पालकी में बैठा के मंदिर के दरवाजे पे लेके आते हैं। जो भक्त दरवाजे के पालकी के साथ में निकलते हैं, दरवाजे के साथ में, तो उनको बैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलते हैं कि वृंदावन में नाम लिखावे, जन्मा जन्म दुख नहीं पावे, अंतकाल बैकुंठ को जावे। अपने माता पिता का नाम वृंदावन धाम में लिखाने से माता पिता को अमर दाना अमर बैकुंठ की प्राप्ति होती है। शरीर को काल खा जाता है पर नाम को कभी काल नहीं खाता है, नाम आदमी का अमर रहता है। वृंदावन के अंदर में 5,500 मंदिर बने हैं, 365 धर्मशाला है। काय के लिए बनी है? केवल नाम के लिए। शरीर हमारा तुम्हारा आज है, पता नहीं कल रहेगा नहीं, कल है कि भगवान ने पैसा आज दिया पता नहीं देगा ये नहीं देगा, पर वृंदावन धाम जब तक रहेगा आपका माता पिता का नाम भगवान के चरणों में अमर रहेगा। सेठ साहूकार लोग मंदिर बनाए काय के लिए बनाए? केवल नाम के लिए बनाए। शरीर को काल खा सकता है पर नाम को कभी काल नहीं खा सकता है। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय।